तो ये देखो बंदर ने यहाँ से क्या कर दिया, हमारे घर एक नया मेहमान आ गया है और इसको मैंने बड़े ही प्यार से निकाल दिया और बड़े प्यार से मैंने ये संभाल के रखी थी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल नित्तू नेगी ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे गौशाला से। दोस्तों आज आप लोग सोच रहे होंगे मैं सुबह सुबह गौशाला क्यों हूँ, तो आज हमारे घर एक नया मेहमान आ गया है, तो हमारी गाय का बच्चा और का, तो अभी हुआ थोड़ी देर पहले, इसलिए मैं आज जल्दी उठ गई थी। और एक बार सुबह उठ के भी मैं गौशाला आ गई थी मम्मी के साथ, और अभी दोबारा आई हम जब, तो उसका बच्चा और का, तो मैं और मम्मी आए हैं और गाय हमारे अंदर है। ये मौली है बाहर पे, ये तो ये हमारी मौली है। और आज एक छोटी फिर से आ गई है, तो उसका नामकरण भी करेंगे। और बाकी अभी हुआ है उसका बच्चा 10-15 मिनट पहले, तो मम्मी अंदर का काम निपटाएगी जो भी है। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं पानी के लिए रुकी हूँ, कृष्णा पानी लेके आएगी थोड़ी देर में, गर्म पानी उसके लिए। तो दोस्तों अभी दिन के 11 बज रहे हैं और नाश्ता करके मैं फिर से गौशाला आ गई। आज तो मेरी ड्यूटी गौशाला ही लग गई। तो अभी बाहर धूप है, तो ये छोटी सी बच्ची, ये देखो, तो ये है हमारी छोटी सी बच्ची सोर की अभी। और आज धूप है ना, तो इसको बाहर पे निकाल रखा है धूप में, और मक्खियाँ परेशान कर रही। अभी तो इसको नींद आ रही, तो मेरी ड्यूटी दिन भर यही लगी आज मक्खियाँ भगाने में। और मम्मी घास के लिए जा रही, तो थोड़ी देर में आती होगी, फिर इसको हम अंदर रख देंगे। फिलहाल तो बाहर पे ही है, धूप की वजह से ना मक्खियाँ बहुत परेशान कर रही इसको। तो दोस्तों ये रही हमारी क्यूट सी बच्ची, अभी ये नींद के चक्कर में, इसको अभी निन्नी आ रही है। निन्नी सो जा, तो दोस्तों हम अभी भी गौशाला ही हैं और ऋतिक लेके आया है मेरे लिए फ्रूटी, और अपने लिए भी लाया है, ये देखो। तो धूप हो रही है, गर्मी की वजह से फ्रूटी लेके आई, तो थोड़ी देर फिर भी यहीं पे रहना है क्योंकि अभी हमारे गाय की तबीयत ठीक नहीं है जो भी है। तो हम यहाँ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ अपनी गौशाला में, और पहले ये फ्रूटी पीते हैं और फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों गौशाला से हम आगे, मैं और मेरी माँ, हम दोनों, ऋतिक भी आ रहा था हमारे साथ, तो हम आगे घर। और बाकी अभी भी वैसी ही है तबीयत गाय की, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में देखने जाएंगे हम। फिलहाल खाना बन रहा है, तो खाना खा के जाएंगे, क्या पता, नहीं तो खाना खाने से पहले ही मम्मी चली जाएगी एक बार। और आज ना इतनी तेज़ धूप उड़ की, ये देखो इधर उधर भी नहीं दिख रहा, आंखों में ऐसे हो रहा धूप से। और बाकी ना बहुत गर्मी हो गई, तो गर्मी से रायता पीने का मन कर रहा, तो मैं आ रही हूँ अपनी ककड़ी की झील पे। ये रही हमारी ककड़ी की झील, तो इस पे देखते हैं कोई ककड़ी मिल जाए। वैसे भी ना बंदरों ने हमारे सारी ककड़ी साफ कर दी, डेली एक एक दो दो ककड़ी ले जा रहे हैं, तो इससे अच्छा जैसे कि बंदर खाए, छोटे छोटे निकालना ही ठीक है। तो देखते हैं इनमें कोई लगी होगी, तो वैसे तो अभी ऐसे छोटी छोटी हैं, पर यहाँ अंदर थी एक ककड़ी। एक ये है, लेकिन ये भी छोटी ही लग रही मुझे। माँ इतना छोटे तो निकालने यार। हाँ एक ये रही, ये निकालते हैं। और ना ये कपड़ा मैंने फिर से रख दिया यही, तो इसके नीचे एक छोटी सी ककड़ी और है, तो वो ढकने के लिए हो जाएगी, नहीं तो इसको भी बंदर खा जाएगा।
तो ये रही ककड़ी और बड़े प्यार से मैंने इसको निकाल दिया और बड़े ही प्यार से मैंने इसको कितने दिनों से संभाल के रखा था ताकि बंदरों की नज़र ना पड़े इस पर, लेकिन नहीं पड़ी। और वैसे भी ना बंदर पता नहीं धोखा दे देते हैं, छिपे रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि कहाँ है ये, और जैसे ही हम अंदर जा रहे हैं वैसे ही वो बाहर निकल रहे, पता नहीं कैसे। तो बड़े संभाल के रखी थी मैंने और निकाल दी। तो चलो अब इसका रायता बनाते हैं और स्वाद लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाओ। दोस्तों ये फ्लावर देखो कितना सुंदर है, तो बहुत जल्दी इस पर दो फूल लग गए और एक बस कुछ ही दिन में हो जाएगा, तो दो तो हो गए फूल। और ये फ्लावर मंगाया है स्पेशली देहरादून से, बहुत ही प्यारा है ये देखो। तो दोस्तों अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं आ रही हूँ अपने बगीचे में घास के लिए। तो गाय के लिए आज छोटा छोटा घास निकालना है जो सॉफ्ट होगा, तो वो घास निकालने आ रही हूँ मैं। और ना आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, बंदरों का हाल। तो देखो बंदरों ने क्या कर रखा है, तो ये देखो दोस्तों, तो ये है घर की लौकी और बंदरों ने देखो इसका क्या हाल किया है। तो ये देखो बंदर ने यहाँ से क्या कर दिया, तो उन्होंने पता नहीं ये कब देखा और कब निकाला, मुझे भी नहीं पता, ये मैंने भी नहीं देखा था। लेकिन जैसे मैं अभी यहाँ पे आई और मैं वहाँ पे देख रही थी तो उन्होंने ये निकाल के ये फेंक रखा, और ऐसे में फेंक रखा था तो मुझे लगा कि क्या पता खाली तोड़ा होगा और वहाँ पे फेंक दिया होगा। लेकिन जब मैंने इसको सीधा किया तो तब देखो मुझे ये दिखा। और ना बाहर से पूरा सही है लेकिन एक जगह से छेद कर रखा और वहीं से सारा माल खा रखा है अंदर का, ये देखो। तो ये अब किस काम का रहा, तो वेस्ट हो गया। तो दोस्तों इतना आतंक मचा रखा है बंदरों ने, ऐसा हाल है इनका। तो अब ये वेस्ट ही होगा, गाय को भी नहीं दे सकते ये, क्योंकि उन्होंने जूठा कर रखा है और बंदरों का जूठा ख़राब होता है, तो अब ये फेंकना ही है। तो ये हाल है बंदरों के। और ना आजकल इस सीज़न के टाइम पे ज़्यादा ही आ गया, और मुझे ना आज बहुत देर से हिचकी आ रही, पता नहीं कौन मुझे इतना याद कर रहा है, मेरी याद नहीं। दोस्तों चलो मैं घास निकाल रही हूँ, इतना तो मैंने निकाल दिया, ये बस थोड़ा और निकाल रही हूँ। ये हैं बंदरों के हाल। तो मैंने आधा ही घास निकाला था, तो तब तक इतनी तेज बारिश आ गई, ये देखो। और आज तो सच में ऐसे लगा ना कि जैसे बारिश किसी ने फेंकी होगी ऊपर से, मौसम ही नहीं था बारिश को, पता नहीं इतनी तेज बारिश कैसे हुई। और मैं ना थोड़ा थोड़ा भीग भी गई हूँ, जबकि मैं बगीचे में गई थी वहाँ से यहाँ पे आने तक मैं थोड़ा भीग गई क्योंकि बारिश एकदम से इतनी तेज हुई, और अभी थोड़ा हल्की। दोस्तों फिर से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है, साक्षी को देखो, साक्षी ने ऐसे, ये देखो क्या है, हमारी छोटी सी परात है एक, साक्षी ने वो रखी है ऐसे करके। जब तक मैं टाइम पे बोल रही थी कि चल चलते हैं किचन में चाय पीते हैं, तब तो ये नहीं आई। अच्छा चल जाओ जल्दी से दीदी के लिए चाय गर्म करो, जाओ चल। तो दोस्तों ना सच में फिर से बहुत तेज बारिश शुरू होगी, ये देखो। और मेरी मम्मी ना अभी भी गौशाला ही है, हमारी गाय की तबीयत अभी भी थोड़ा ठीक नहीं हुई है, ठीक है लेकिन थोड़ा मतलब थोड़ा नॉर्मल नहीं है वो अभी। तो मम्मी अभी भी गौशाला ही है और बहुत तेज बारिश होगी। तो चलो दोस्तों अब हम भी चाय पीने चलते हैं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं और अंधेरा होने ही वाला है, लगभग हो ही गया, वीडियो ब्लर सी आ रही है। तो दोस्तों अभी हमारी गाय थोड़ा ठीक है, मतलब नॉर्मल है अब पहले से। और अब ना मेरी ड्यूटी लगी हमेशा गौशाला जाने की, वो भी मम्मी के साथ। तो हमेशा तो नहीं, कुछ दिनों तक जाना पड़ेगा, 3-4 दिनों तक, उसके बाद गाय को आदत हो जाएगी। तो 1-2 दिनों तक ना वो छोटी बच्ची है तो उसको पकड़ना पड़ता है गाय के सामने, तब जाके मम्मी दूध निकालेगी। तो 1-2 दिन जाना ही है और अब हम भी गौशाला जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप बने रहें नीतू नेगी ब्लॉग के साथ। बाय।